जय माता दी। मैं भी भारत की एक बेटी हूँ और आज सवाल पूछ रही हूँ उन हजारों बेटियों पर हुए जुल्म का, अत्याचार का, परेशानियों का, और जो उन पर ताड़ना प्रताड़नाएं हमारे प्रधान सेवक जी और उनका तंग करवा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कभी सोचा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हम नारा देते हैं, और नवरात्रि में आज चौथा नवरात्रा है, मैं मंदिर आई, मैं देवी माँ से पूछा। देवी माँ से पूछने के बाद मुझे एक ही जवाब मिला कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि एक ओर हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं और दूसरी ओर कभी हरियाणा में कभी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में लड़कियों पर अत्याचार हो रहे हैं, किसी के दांत तोड़ दिए जा रहे हैं, किसी का हाथ टूटा है, किसी की गर्दन तोड़ रही है, और पुरुष जो इंस्पेक्टर है महिला पुलिस उन पर हाथ नहीं उठा रही है, पुरुष उन पर हाथ। अरे शर्म करो, धिक्कार है तुम पर। एक ओर तुम नारी सशक्तिकरण की बात करती हो और दूसरी ओर हिंदू बेटियों पर इतने अत्याचार कर रही हो। मैं जवाब मांगती हूँ प्रधान से बच्ची से कि आपके संसदीय क्षेत्र में आपके नाक के नीचे ऐसा क्यों हो रहा है? और आप बनारस आते हैं, आप बनारस आते हैं उस रास्ते पर आपका शासन प्रशासन बिल्कुल आपको आने ही नहीं दे रहा। आपने हमारी सुध तक नहीं ली। हम जैसी हजारों बेटियां वहां सिर्फ एक जवाब शांतिपूर्ण ढंग से मांग रही थी, पूछ रही थी कि हमारी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा। हम कुलपति जी से सिर्फ इतना पूछ रहे थे कि लड़के हमें छेड़ते हैं, कि टीजिंग हमारे साथ होती है, उम्र ही क्या है, 20 साल 22 साल 23 साल 24 साल की लड़कियों को इतने अत्याचार करने की क्या जरूरत है? ये कहाँ की इंसानियत है भाई, ये कहाँ का न्याय है? मैंने भी बोल दी थी, मुझे भी उम्मीद थी अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अच्छे दिन तो छोड़ो, हम यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। जरा सोचिएगा देशवासियों, अगर मेरी बात से सहमत हो तो माननीय प्रधानमंत्री जी तक मेरा ये निवेदन जरूर पहुँचाएं और हमारी सुरक्षा के लिए ये सुनिश्चित करें कि हम इस समाज में सुरक्षित हैं या नहीं, और कब हम सुरक्षित होंगे। जय माता दी।